हाय फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच जो बिहार में एक बहुत बड़ी धांधली होती जा रही है एग्जाम को लेकर के, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे होम गार्ड के एग्जाम हो, कुछ भी के एग्जाम हो, बिहार का ऐसा लग रहा है कि इतना जितना भी एग्जाम है सारा शेटिंग पे हो रहा है। और इसमें पहले तो ऐसा लगता था कि एग्जाम में लगभग 40% या 30% के करीब में सेटिंग होता था, लेकिन कुछ दृश्य आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे घटना हो रही है जिससे देखने से पता चलता है कि बिहार में 95% लोग केवल पैसे के बल पर सिलेक्शन ले रहे हैं। इसमें से मात्र 5% या 10% ही वैसे स्टूडेंट हैं जो बहुत गरीब है, मेरिटोरियस है, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा ये कहानी? तो कितना तो गरीब के लिए संभव नहीं है। इसलिए कल दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि कल जो दिलीप जी जो सभा करने वाले हैं, एक मीटिंग अरेंज करने वाले हैं पटना कॉलेज में, उनमें उस मीटिंग में आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और हर जिले का नेतृत्व अपने ऊपर लें और जिला के नेतृत्व करें और अपने माध्यम से जिला में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हैं, सबको कोऑर्डिनेट करके एक ग्रुप तैयार करें, हर जिला वाइज ग्रुप तैयार करें और उस ग्रुप के माध्यम से अपने इसका प्रचार प्रसार करें। और इसमें सभी तरह के स्टूडेंट को लेने की जरूरत है, चाहे वो एसएससी को तैयारी कर रहा है बिहार एसएससी का, चाहे सचिवालय का, चाहे दरोगा का तैयारी कर रहा है, चाहे होमगार्ड का तैयारी कर, अलग अलग आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट एक है, छात्र यूनिटी एक है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के इतिहास में यह पहला अध्याय होगा, क्योंकि वहां पे अगर संख्या अगर दिखने लगेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 4-5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें से उसका अगर अगर मिला ले उसमें से 50,000 या 1 लाख का भी अगर संख्या अगर पटना में अगर पहुंच जाता है आंदोलन के दिन, तो आंदोलन देखने वाला होगा और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार को मुंह बंद कर लेना पड़ेगा और पुलिस जो होता है ना, पुलिस डंडा चार्ज करने वाला, कुछ नहीं कर पाएगा, छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि हम युवाओं से ही सरकार चलता है। इसलिए आप लोग से आग्रह करते हैं कि कल के मीटिंग में अच्छे से अच्छे अपने नेतृत्व करें और दिलीप जी का सहयोग करें और अपने अपने जिला का नेतृत्व करें स्वयं से, और जो भी वहां पे कमेटी होगी हमारे संदर्भ में जितने भी बच्चे थे मोतिहारी जिला से, सबको मैं कोऑर्डिनेट किया हूँ और यहाँ से बहुत लोग आज निकल रहे हैं और कुछ लोग पटना में हैं जो कल मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। और उन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों से पैसा की जितना भी जरूरत होती है, चाहे हम लोगों को केस करना होगा, चाहे केस में जो भी पैसा खर्च होगा, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप हम लोगों को एक अच्छा नेता मिला हुआ है, इसका हम लोग फायदा उठाएं और अधिक से अधिक आंदोलन का प्रभाव जैसे दिखने लगेगा, आंदोलन में हम लोग का एक ही मांग करना है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई अगर जांच हो जाती है तो निश्चित ही ये परीक्षा रद्द होगी, एक गारंटी के साथ मैं कहता हूँ रद्द होना ही है, चाहे वो उसके पहले रद्द होने से जांच के पहले अगर बीएसएससी अगर दरोगा का फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकाल दे और ज्वाइनिंग भी करा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एग्जाम तो रद्द होना ही है। अगर हम लोग अपने कमर कस के तैयार रहते हैं तो निश्चित है एग्जाम रद्द होगा, ये 100% मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, ऐसे नहीं कि हम लोग दिन भर इसी में उलझे रह जाएं, हम लोग को पढ़ना भी है, क्योंकि आगे आने वाला जो 2213 वैकेंसी है उसको पकड़ना है और सचिवालय की वैकेंसी है उससे पकड़ना है, उस सबको पकड़ना है, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है, इसको देखते रहना है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा नेतृत्व करने वाला योग्य नेता मिले हुए हैं, उनका सपोर्ट करें और जहां तक पूरा तन मन धन तीनों से हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि दिलीप जी के आंदोलन का कल मीटिंग को सफल बनावे, अधिक से अधिक संख्या में जाएं वहां पे, कोशिश करता हूं कि मैं भी आऊं, और मेरे तरफ से तो बहुत सारे बच्चे यहां से जा रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने जिले से बच्चे लोग को भेजें, क्योंकि 4-5 लाख संख्या में अगर 1 लाख के भी संख्या अगर पुगती है तो बुझिए कि बहुत बहुत बड़ा एक इतिहास रचा जाएगा। और ये लगातार जैसे कि दिलीप जी के अनुसार लगातार आंदोलन करना, आंदोलन को रोकना नहीं है,
आंदोलन करते रहना है, नहीं तो जहां रुकेंगे हम लोग तो सरकार हम लोग पर हावी हो जाएगा, और हावी हो जाएगा तो यही हाल होगा सचिवालय के एग्जाम में भी, बीएसएससी जो इंटर लेवल पर का निकलने वाला है, और आगे 2213 टोटल का टोटल सीट बिक जाएगा, हम लोग जैसे कि तैसे रह जाएंगे। इसलिए हम लोग को लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई करते रहना है। तो दोस्तों आज के लिए मेरा यही शुभकामना है, आप लोग पहुंचे कल, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल हम सुबह में जो भी, कल शाम में जो भी निर्णय आता है उसको मैं अच्छी ढंग से बताऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।